देखिए स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 कर रहे हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसमें हमने लिथोस्फेयर पढ़ा, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। सेकंड क्वेश्चन था मेन, इसके 7 कॉन्टिनेंट्स, ये हमने नेम पढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि दो ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए कि इसमें मेजर लेयर्स हैं, इसमें जो हम पहले कर चुके थे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो जो हमारे सतह पर है, जो हमारी अर्थ के आसपास है, ग्राउंड के आसपास है, वो सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, जहां पर बैलून उड़ते हैं, जहां पर एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में आता है। यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में है, में ग्रीनरी है, मैदान है, ये सब है। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मीजोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ एक्सोस्फेयर, जो सबसे बाहरी है। इसमें जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, वो पृथ्वी की ये जो कक्षा है, यहाँ पर कक्ष में जाकर यहाँ पर इनको स्थापित कर दिया जाता है, इन सैटेलाइट्स को। तो ये डायग्राम की हेल्प से समझाया हुआ है कि अर्थ की जो 5 लेयर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह, क्यों कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वॉटर। पृथ्वी का 71% से ज्यादा भाग पानी से ढका हुआ है। इट इज अ वॉटरी प्लेनेट, ये एक पानी वाला ग्रह भी कहा जाता है इसको। इट लुक्स एज ब्लू प्लेनेट व्हेन वी सी फ्रॉम द स्पेस। जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो ये बिल्कुल नीला ग्रह नजर आता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को, उत्तरी गोलार्ध को, जमीनी गोलार्ध क्यों कहा जाता है, भूमि वाला गोलार्ध क्यों कहा जाता है। आंसर देखिए, व्हेन वी लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड वी नोटिस, जब हम संसार के मैप पर देखते हैं, तो हम ये नोटिस करते हैं, ये देखते हैं कि दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, कि जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। देयर फोर इट इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फेयर, इसीलिए इसको लैंड हेमिस्फेयर मीन्स जमीनी गोलार्ध कहा जाता है। वाइल सदर्न हेमिस्फेयर इज कॉल्ड वॉटर हेमिस्फेयर, और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में जमीन बहुत कम है और पानी ज्यादा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जमीन ज्यादा है, भूमि ज्यादा है और पानी कम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई इज बायोस्फेयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं, उनके लिए बायोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। आंसर, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ऑल क्रिएचर्स लिव इन बायोस्फेयर। मनुष्य, पशु, कीट पतंगे, सभी
बायोस्फेयर में रहते हैं, जीव मंडल में रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी ये ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बायोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोस्फेयर जीव मंडल पौधों से और पशुओं से मिलकर बना है। लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मीट इन बायोस्फेयर। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ये तीनों ही जीव मंडल में मिलते हैं। सो लाइफ इज पॉसिबल इन दिस स्फेयर। इसीलिए जीव मंडल पर, इसीलिए बायोस्फेयर पर लाइफ पॉसिबल है, जिंदगी संभव है। किसी और स्फेयर में, किसी और जगह पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सिर्फ बायोस्फेयर ही, जीव मंडल ही ऐसी जगह है, ऐसा एरिया है पृथ्वी का, जहां पर सभी पशु पक्षी, मनुष्य और कीट पतंगे या वाटर एनिमल जो भी हैं, वो सभी यहाँ पर जीवन जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन 9, नेम थ्री लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स। जो जीवन के लिए तीन मुख्य तत्व हैं, जीवन को सपोर्ट करने वाले, वो कौन कौन से हैं? आंसर, लैंड, वाटर एंड एयर। भूमि, पानी और हवा। क्वेश्चन 10, 10 देखिए। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? आंसर, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आंसर, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार का सबसे गहरा पार्ट, जिसकी गहराई सबसे ज्यादा हो, वो भाग कौन सा है? आंसर, मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच जो खाई है वो सबसे गहरी है, जो पैसिफिक ओशन में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? मेरियाना खाई की गहराई कितनी है? आंसर, 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। क्वेश्चन 15, विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? जो एशिया कॉन्टिनेंट है, यो जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, उनके बीच में एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम क्या है? आंसर, द यूराल माउंटेन। क्वेश्चन 16, व्हाट इज कॉल्ड द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है और एशिया कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के बीच में जो भूमि है, जो भूमि का टुकड़ा है या जो भी एरिया आता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। हाउ मच एरिया इज कवर्ड ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ बाय एशिया कॉन्टिनेंट।
एशिया कॉन्टिनेंट के द्वारा पृथ्वी का कितना एरिया घेरा जाता है, यानी कितने एरिया पर एशिया कॉन्टिनेंट है? आंसर 1/3, एक तिहाई भाग पर एशिया कॉन्टिनेंट है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।